मोहन, ओ मोहन। हैं? आप और यहाँ? क्यों, क्या मैं यहाँ आने का हकदार नहीं हूँ? लेकिन आपका ये क्या हाल बना हुआ है? सब वक्त का खेल है मोहन। माँ, माँ देखो कौन आया है। अरे के है, कौन आया है? रघुवीर आया है। हैं? के कहा, रघुवीर आया है? हाँ माँ। हे भगवान, ये आफत कैसे आ पहुंची। मोहन तू दूसरे कमरे में जा और अपने पिताजी ने बता दे अगर रघुवीर आ रहा है और मैं उसने भीतर लेके आऊ। अच्छा माँ, अभी बताता हूँ जाकर। बेटा आप इस हाल में, आओ। नमस्कार जी। नमस्कार बेटा, लेकिन यूँ क्या हाल बना रखा है आपने? आओ पहले अंदर आ जाओ। जी चलो अंदर चलो। यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी बना के लाती हूँ। हे शीतला मैया, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुमने मेरी फरियाद सुन तो ली। अगर मेरे पति आज नहीं आते तो शायद मैं कल तक जिंदा ही नहीं रहती। हे शीतला मैया, तुम महान हो, तुम्हारी माया अपरंपार है, तुम्हारी सदा ही जय हो माँ, तुम्हारी सदा ही जय हो। मोहन के बापू, ये कैसा अनर्थ हो गया, अब के होगा? कल तो लड़की की शादी की रस्म है और आज ये भिखारी के भेष में आड़ा बैठा। जरा धीरे धीरे बोल, दीवानों के भी कान होते हैं, अगर दामाद को भनक भी लग गई ना तो सारा काम बिगड़ जाएगा। पिताजी अब क्या होगा? उसका उपाय मैं करूंगा, तुम क्यों घबरा रहे हो? माँ जाकर रघुवीर की अच्छी सेवा कर दे, नहला धुला कर अच्छे कपड़े दे दे पहनने को, मीठी मीठी बातें करके उसको खुश कर दे, फिर मैं चाय लेकर आता हूँ। ठीक से बेटा। हाँ तू जाकर हालचाल भी पूछ ले। जा सुन। बेटा बहुत दुख हुआ था हमने तो जब न्यूज सुनिया अक पूर्णिमा के सास ससुर का स्वर्गवास हो गया, पर बेटे होनी को कौन टाल सकता है। हम तो जब जानने हुए थे थारे घर पर तुम जा चुके थे बेटा, जो भगवान को मंजूर हो है वो ही हो से बेटा, किसका के जोर चल रहा है। जी ठीक को हो, जो होना था वो हो गया, इब के हो सके है। ठीक कैसे बेटा, गया बखत के वापिस आवस है। हमने तो यह जब खबर सुनी थी तो अंदर तक हल गए थे हम तो, पर होनी का आगे के जोर था, बेबस थे बेटा। थरे सुसरे ने तो कई रोज पेट भर के खाना भी ना खाया था, दिन रात थारी चिंता में उदास पड़े रहा करते। हाँ ससुर जी मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता करते हैं। हाँ बेटा, थारी चिंता हम नहीं कराएंगे तो और कौन करेगा। जीजाजी राम राम। राम 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 मोहन, सुन थारी कई की राम राम। लो चाय पियो, ये पानी यहाँ रखा है। अच्छा बेटा तुम आराम करो तब तक और मैं रोटियां की तैयारी करूँ। आज की रात ही जहर देकर रघुवीर का काम तमाम करना पड़ेगा, भोजन में जहर देने से पता भी नहीं लगेगा। हाँ यो उपार मैं सोच रही थी, अगर जहर दे के मार दिया। हाँ सोच तुम्हारी एक के है, मरते ही गड्ढा खोदकर जमीन में दबा देंगे। किसी को शक भी नहीं होगा, जब कभी बात चलेगी तो देखी जाएगी। ठीक है मैं अभी जाकर जहर ले आता हूँ, तुम तब तक रसोई की तैयारियां करो। हे मजानी माँ, तू कहाँ सोई हुई है? क्या मेरे पति को जहर देकर मरवाने के लिए यहाँ भेजा था? रक्षा करो माँ, रक्षा करो, मेरे माँ बाप, मेरे दोनों भाई ही मेरी मांग को उजाड़ने पर तुले हुए हैं। ये कसाईयों की टोली आज मेरे पति को जहर देकर मारना चाहती है, कुछ करो माता, कुछ करो। हे मैया,
तुमने सती सावित्री को ताकत दी थी, उसने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे, उस सती पर आपने ही तो कृपा की थी। आज मैं आपके चरणों में झोली फैलाती हूँ। आज मैं आपसे अपने पति के प्राणों की भीख मांगती हूँ माँ, चाहे मेरी जान ले ले, पर मेरे प्राणनाथ को सलामत रखना। मैं आपसे कुछ और नहीं मांगती माँ, कुछ और नहीं मांगती। मैं अभी जाकर उन्हें सावधान कर देती हूँ कि भोजन में जहर मिला रखा है, अतः भोजन ना खाए। चलो चल कर देखती हूँ। हे दाती, पति देव तो है ही नहीं, जरूर भैया उन्हें बाहर ले गए होंगे। अब क्या करूं, कैसे स्वामी की जीवन की रक्षा करूं? चुपचाप रसोई घर में जाती हूं। माँ लाओ, मैं बना देती हूँ रसोई। बेटी के आज भी तेरे बिना रसोई नहीं बनेगी, ये बहुत दिन मत जमाई घर आया है, जा उसकी सेवा पानी कर। कुछ फर्क नहीं पड़ता माँ, थोड़ी मदद तो करवा सकती हूँ। मन रसोई तैयार कर ली से, ऐसा कर तू यहाँ खड़ी हो जाए एक बार, मैं भोजन का सामान बगल के कमरे में रख्या हूँ, उड़े बटे उतना ही रोटी खुआन का इंतजाम कर रख्या। जल्दी से कागज के टुकड़े पर लिख कर रोटी के बीच में दबा देती हूँ। ठीक है, ये ऐसे छुपा दे। जल्दी से खड़ी हो जाओ, कहीं माँ ना आ जाए। बेटी दामाद जी आ गए, मैं भोजन डाल देती हूँ। क्या खाने के बीच में कागज का टुकड़ा जरा देखूं तो क्या है ये? क्या भोजन में विष मिला रखा है? हे मेरी शीतला मैया, ये कैसी परीक्षा ले रही है? मेरी ससुराल वाले ही मुझे मारना चाहते हैं, मेरी ससुराल वाले ही मुझे मारना चाहते हैं। और मुझे दुख कितना दोगी, ओ माँ जग कल्याणी रे, जहर खिला के लेना चाहे सास ससुर जिंदगानी रे। और मुझे दुख कितना दोगी, ओ माँ जग कल्याणी रे, जहर खिला के लेना चाहे सास ससुर जिंदगानी रे। और मुझे दुख कितना दोगी, गिन कर मौत की सजा मिली, जान के दुश्मन सजा रहे हैं चेता मेरी। इन कर्मों की सजा मिली, कौन बनी है खता मेरी, सास ससुर ही जान के दुश्मन सजा रहे हैं चेता मेरी। मैं क्यों इनको खटक रहा हूँ, मैं क्यों इनको खटक रहा हूँ, सीधा सद प्राणी री, जहर खिला के लेना चाहे सास ससुर जिंदगानी री।
और मुझे दुख कितना दोगी। फिर भी सुखा सांस नहीं तुंदन मैया बैरी जगत में और किसी की आस नहीं। जन्म जात मैं तेरा पुजारी फिर भी सुखा सांस नहीं तुंदन मैया बैरी जगत में और किसी की आस नहीं। दो वक्तों का मुश्किल मिलता दो वक्तों का मुश्किल मिलता मुझको टुकड़ा पानी री चेर खिला के लेना चाहे सास ससुर जिंदगानी री और मुझे दुख कितना दोगी। मैं आया था किस मकसद को कौन जान मैं आने फसा अनखाऊं या छोटू मैया पिंजरे मना दान फसा। तू ही बता ये रोटी मुझको तू ही बता ये रोटी मुझको खानी या ना खानी री चेर खिला के लेना चावे सास ससुर जिंदगानी री और मुझे दुख कितना दोगी। कमल सिंह दोस्तों की दुनिया अच्छे आदमी थोड़े हैं नाग जरीले घर घर बैठे कसने कोई दौड़े हैं। कमल सिंह दुष्टों की दुनिया अच्छे आदमी थोड़े हैं नाग जरीले घर घर बैठे कसने कोई दौड़े हैं। तेरे नाम पे ध्यान दे दूं तेरे नाम पे जान दे दूं मैंने मन में ठानी री चेर खिला के लेना चाहे सास ससुर जिंदगानी री और मुझे दुख कितना दोगी। ओ मां ज कल्याणी री चेर खिला के लेना चाहे सास ससुर जिंदगानी।